i get up time is belly on sign. side i don't wanna waste what's left the storms which is leading us and love is all we'll ever trust so hello guys welcome back to the channel stay here you're watching mr Genie's creation dosto aaj banane wale by bike tractor जी हाँ दोस्तों इसके आगे वाला पार्ट मैंने बाइक की तरह बनाया और पीछे वाला पार्ट ट्रैक्टर की तरह बनाया एक्चुअली मुझे इसे बनाने की आइडिया मेरे मामा जी से आई थोड़ा टाइम पहले मैं गांव में गया था तो मैंने देखा कि मेरे मामा जी ने पुरानी बाइक को ट्रैक्टर में कन्वर्ट कर दिया है दोस्तों अगर आप असली ट्रैक्टर वाली बाइक का वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करना तब तक के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो यूजर ने मैं योग और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जाके फॉलो कर देना तो गाइस सबसे पहले हम स्क्रीन पे बताए गए मेजरमेंट के हिसाब से तीन कार्डबोर्ड के पीस को कट कर लेंगे और एक साथ में चिपका देंगे और इसके लिए मैंने फेकल का यूज़ किया है अब हम इसके ऊपर कार्डबोर्ड में से मैंने पेपर निकाल दिया है उसे यहाँ पे लगा रहा हूँ उसके नीचे भी हमें इसे लगाना पड़ेगा दोस्तों मैंने कुछ इस तरह से एक और कार्डबोर्ड के पीस को कट किया है और आगे मैंने थोड़ी जगह बना दी इसे लगाने के लिए तो इसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ अब इस तरह के एक कार्डबोर्ड को हमें कट करना है और इसके आगे हम इसे लगाएंगे दोस्तों मैंने कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड को कट कर लिया और इसके आगे मैंने कार्डबोर्ड का रोल लगा दिया इसके ऊपर मैंने गेयर और एक्सल लगा दिया है अब हम यहाँ पर मोटर को लगा देंगे मोटर पे मैंने स्पाइरल वाला गियर लगाया है आप भी वैसा ही गियर यूज़ करना क्योंकि उससे मोटर का टॉर्क बढ़ जाता है अब उस, कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड लेंगे और इसे चिपका देंगे दोस्तों मैंने इसके साइड में भी पेपर लगा दिया है और दो होल भी कर दिए हैं यहाँ पर मैं कार्डबोर्ड के रोल को लगा रहा हूँ कार्डबोर्ड के पेपर के रोल को अब हम इसे मोटर पर लगा देंगे कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड के चार पीस को हमें लगाना है साथ में अब हम इसे इसके नीचे लगा देंगे मैंने तो स्केच पेन के टुकड़े ले लिए हैं, एक तार और पाइप भी ले लिए। अब हम आगे का व्हील लेंगे स्केच पेन पर पे मैंने होल कर लिया था वहाँ पर मैंने एक्सेल लगा दिया और एक स्ट्रॉ का टुकड़ा रख के मैं इसे लगा रहा हूँ अब भी इस तरह से लगा दीजिएगा दोस्तों मैंने कुछ गेयर मोटर के ऊपर इस तरह से व्हील लगा और व्हील के ऊपर मैंने दूसरे व्हील के रिंग लगा दिया अब मैं इस मोटर को यहाँ पे ग्लूगन की मदद से लगा दूँगा अब हम इसे आगे वाली गेयर मोटर में फिक्स कर देंगे और उस मोटर को हम यहाँ पे चिपकाएंगे अब चाहे तो फेविक का भी यूज़ कर सकते हैं मैं ग्लूगन से चिपका रहा हूँ दोस्तों अब हम इसके पीछे वाला मैकेनिज्म बनाएंगे जहाँ पे हम हल लगाएंगे दो आइसक्रीम स्टिक के टुकड़े कट कर लिए और नाइन्टी डिग्री पर लगा दिए इसके बीच में और दोनों साइड पर होल कर लेना और ऐसे दो पीस चाहिए दोस्तों ये टेम्पररी कार्डबोर्ड कट के इसे हमें लगाना नहीं है सिर्फ मैं इसे बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ आइसक्रीम स्टिक के दो लंबे टुकड़े पर मैंने होल करके हमने जो नाइन्टी डिग्री वाले पीस बनाए थे वो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ दोनों पीस को एक ही जगह पे लगाना है और इसे लगाने के लिए मैं बैम्बू स्टिक का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों ये लग जाए उसके बाद यहाँ पे हमें फेकी या फिर फेविकॉल लगाना है अब हम इसे निकाल देंगे ये अच्छी तरह से मूव होना चाहिए दोस्तों अब मैंने एक आइसक्रीम स्टिक के टुकड़े को लिया और इसके ऊपर छोटे से बैम्बू स्टिक का टुकड़ा लगा दिया है होल करके और उसके ऊपर मैं वापस से आइसक्रीम स्टिक का टुकड़ा लगा रहा हूँ बीच में एक छोटा सा स्पेसर की तरह दूसरा आइसक्रीम स्टिक का टुकड़ा लगा रहा हूँ और वापस से उसके ऊपर एक और आइसक्रीम स्टिक का टुकड़ा लगा के सैंडविच बना दिया है इसे खा मत जाना उज्तम हो जाएगा नहीं कुछ भी अब इसे हम यहाँ पर लगाएँगे दोस्तों हमने जो दो पीस सैंडविच वाले बनाए थे उसे हम आइसक्रीम बैम्बू स्टिक से मैंने सेम डिस्टेंस पे लगा दिया और यहाँ पे हम इसे फाइ कॉल की मद से चिपका देंगे दोस्तों ध्यान रहे कि वो एक के ऊपर एक ही आना चाहिए और यहाँ पे एक, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए वापस आइसक्रीम स्टिक दोस्तों मैंने इतनी सारी कैंडी नहीं खाई थी ये मैं ख़रीद कर लाया हूँ दोस्तों यहाँ पर मैंने मेजरमेंट ले लिया इसके मुताबिक मैं होल रखूँगा आइसक्रीम स्टिक पर वापस से आइसक्रीम स्टिक ले आए दोस्तों यहाँ पे हमने होल किए थे वहाँ पर मैं इसे बैम्बू स्टिक की मदद से लगा रहा हूँ एक साइड को दूसरी ओर भी इसी तरह से लगा देंगे अब इसे हम ऊपर की साइड भी लगा देंगे पर ऊपर की साइड पहले एक बैम्बू स्टिक का पीस लगाएंगे ये अच्छे से मूव होना चाहिए यहाँ पे हम बैम्बू स्टिक का एक छोटा सा पीस लगा रहे आप चाहे तो टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हो इसे फ्राईक की, की मदद से चिपका लेना फ्राई में देर लगेगी इसलिए बोल रहा हूँ अब हम इसे यहाँ पे फिक्स करके मैंने आइसक्रीम स्टिक से गोल पीस कट करके उसमें होल कर दिया है उसे यहाँ पे हम लगा देंगे अब इसे यहाँ पे मैं फेक से चिपका रहा हूँ क्योंकि इसे मुझे पकड़ना नहीं पड़ेगा वापस से आइसक्रीम स्टिक के दो पीस लिए और इसे बेम्बू स्टिक की मदद से यहाँ पे मैं चिपका रहा हूँ और फेकॉल भी लगा देना दोस्तों आप केयर मोटर देख सकते हो इसके आगे मैंने एक नट बोल्ट लगाया है और ये तार पे मैंने बोल्ट लगा दिया है आप देख सकते हैं ये कुछ हमारा हाइड्रोलिक मेकेनिज़्म बन गया है इसे हम यहाँ पे फिक्स करेंगे जो हमारे 90 डिग्री वाले एंगल में जो होल दो थे उसके ऊपर हम बोल्ट वाले को लगाएंगे और अभी जो लगा है उसके बम्ब स्टिक को निकाल के हम मोटर को वहाँ पर लगा देंगे और मोटर के नीचे मैंने स्ट्रॉ लगा रखी थी आप देख सकते हैं हमारा जो मैकेनिज्म तो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है अब देख सकते हैं हमारे ट्रैक्टर के पीछे के बिल ऊपर उठ गए अब हम इसे एडेप्टर से टेस्ट कर गए दोस्तों ये मोटर से भी अच्छे से वर्क कर रहा है अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं वापस से मैंने कार्डबोर्ड को ले लिया और इससे हम ट्रैक्टर की छत बना रहे आप चाहे तो अपने पसंद की छत बना सकते हैं मैं इस तरह की छत बना रूँ छतरी हो तो छतरी लगा देना आइसक्रीम स्टिक की मदद से इसके साइड के बीम बना रहा हूँ मैं और सपोर्ट के लिए दूसरे दो आइसक्रीम स्टिक को लगा रहा हूँ इसे लगाने के लिए फेविकॉल का यूज़ किया और दूसरे दो आइसक्रीम स्टिक के टुकड़े सपोर्ट के लिए सपोर्ट जरूरी आप भी सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अब हम कुर्सी बनाएंगे इसके नीचे मैंने आइसक्रीम स्टिक के दो टुकड़े लगा दिए हैं फेकोल की मदद से हम इसे भी यहाँ पे लगा देंगे बट ध्यान रहे कि हाइड्रोलिक वाली मोटर से थोड़ा ऊपर से लगाना हुआ नहीं उसमें टच हो जाएगा दोस्तों इसी के साथ हमारा ट्रैक्टर तैयार है अब इसकी हेडलाइट हम बनाते हैं दोस्तों ये प्लास्टिक का कुछ कैप जैसा मुझे पड़ा था मेरे पास उसके ऊपर मैंने एल लाइट लगा दी है दोस्तों मैंने तार को मोड़ के कुछ इस तरह से स्ट्रेयरिंग बना दिया मैं इसे दिखाना भूल गया था आप बना लेना आप होशियार हो मुझे पता है अब हम रिमोट बनाएंगे रिमोट बनाने के लिए वापस से आइसक्रीम स्टिक के एक टुकड़े को मैंने होल कर दिया है और उसके साइड में तो स्लॉट कर दिया वो किस लिए अभी मैं बाद में बता दूंगा इस तरह से हमें तीन पीस को ज़रूरत पड़ेगी वायर के ऊपर हम कील लगा देंगे दो दो दोस्तों अब इस स्लॉट में हम कील के माथे को फंसा देंगे और इसे यहाँ पर चिपका देंगे दोस्तों इस तरह से हमें तीन बनाने अब हम कार्डबोर्ड को लेंगे और इसके रेडियस को नापेंगे और क्या बोलते हैं लाइन खींचेंगे आज रैप सॉन्ग गा रहा हूँ ऐसा लग रहा है क्या बोलते हो रैप सॉन्ग चालू कर दो अब वापस से यहाँ के डिस्टेंस हम मार पाएंगे और यहाँ पे तीन डॉट करेंगे वहाँ पे हमें कील को लगाना है इसके लिए सबसे पहले मैं होल कर लेता हूँ टूथ पे की मदद से अब सभी मैं फटाफट -पट कील लगा देता हूँ आप तब तक मेरी बकवास सुनते रहिए सब्सक्राइब ठोकी दे जो हाँ दोस्तों अब हम पहली और आखिरी वाली कील को वायर की मदद से कनेक्ट कर लेंगे और बीच वाली खील को सभी को एक वायर में और ज्वाइंट की हुई कील को सभी को एक वायर में कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से दोस्तों कील निकल जाएगी इसलिए हम फेक से लगाएंगे और यहाँ पर फेकुल का यूज़ बिल्कुल मत करना अब मैं यहाँ पर टूथपिक को लगा रहा हूँ इसे फेकल की मदद से लगा सकते हो इसके ऊपर हमने जो बनाया था उसे लगा रहे और ध्यान रहे कि जो दो कील है वो तीन कील के की बीच में जो दो गैप है उसमें आनी चाहिए और ये मैंने आइसक्रीम स्टिक से दो राउंड सर्कल करके जो बनाया है उसी वॉशर को यहाँ पे हम लगा देंगे और फ्राई कॉल की मदद से इसे चिपका देंगे दस रुपये वाला हो या पचास रुपये वाला सेम ही काम करता है अब एक्स्ट्रा स्टिक को हम कट कर लेंगे ये वायर को हम इसे आगे ग्लूगन की मदद से चिपका देंगे अच्छे से चिपकाना वरना यह बाद में निकल जाएगा यहाँ पे हम इसे बैटरी को लगाएंगे बैटरी के लिए मैंने मोबाइल की बैटरी का यूज़ किया है आप चाहे तो कोई भी बैटरी का लिथियम लिथेमायन बैटरी का भी यूज़ कर सकते हो अब हम यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर देंगे एक वायर को डायरेक्ट और एक वायर में हम स्विच को लगाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्विच को लगा रहा हूँ सेलोटेप ज़रूर लगाना वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर हमारा रिमोट चालू का कल ही रहेगा दोस्तों अब हम इसका हल बनाएंगे मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक पर आठ स्लॉट बना रहा हूँ आप देख सकते हैं एक सौ के मदद से स्लॉट बनाए और ज़्यादा कट मत कीजिएगा वरना हल कमज़ोर बन जाएगा साइड पे सर्कल वाले जो पार्ट आता है एंड का उसे मैंने कट कर लिया और ग्लूकन की मदद से यहाँ पे मैं आइसक्रीम स्टिक के चार सेंटीमीटर लंबे टुकड़े को लगा रहा हूँ पूरी स्टिक पे हमने जितने स्लॉट किया हम उतने उससे दो ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि हमें एंड में भी लगाना है और इसके दो एंड है नहीं अब हम इसको बनाते हैं हम दूसरी साइड में हम दूसरी स्टिक को लगा देंगे जिसमें हमने स्लॉट किए थे और स्लॉट में इसके धार को अच्छे से एडजस्ट करना वरना टेढ़ा मेढ़ा अच्छा नहीं लगेगा फिर आपकी फसल भी टेढ़ी मेढ़ी आ सकती है इसे अच्छे से लगा देना और सूखने देना शांति रखना खाना का लेना तब तक दोस्तों हलके लिए मैंने कुछ इस तरह से आइसक्रीम स्टिक को कट कर लिया और मैंने सोलह पीस को कट किया है सभी को मैं धीरे धीरे यहाँ पे लगा रहा हूँ आप देख सकते कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें लगाने और सोलह पीस को सभी को लगा देना है कंजूसी मत करना इसे मैंने कटर से ही खुद ही कट किया है मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रिक टूल नहीं है छेद करने के लिए या कट करने के लिए मैं भी कटर से ही कट करता हूँ दोस्तों मैंने सभी पीस को लगा दिया और आप साइड में देख सकते हैं कि मैंने आइसक्रीम स्टिक के दो टुकड़े लगा के उसमें होल कर दिया और ऊपर की साइड भी कुछ ऐसा ही किया है और एक और आइसक्रीम स्टिक लिया और उसके दोनों साइड में होल कर दिया और थोड़ी छोटी आइसक्रीम स्टिक लिए उसका ध्यान रखना दोस्तों अब हम ट्रैक्टर के पीछे की साइड हमारे आगे वाले जो आइसक्रीम स्टिक थी वहाँ को फिक्स करेंगे और टूथपिक की मदद से यहाँ पर लगा देंगे दूसरी साइड भी हम टूथपिक को लगा देंगे और मैं जो ये एक्स्ट्रा वाला पीस कट किया था उसको भी हम यहाँ पे लगाएंगे पहले हम हल्के ऊपर इसे टूथपे की मदद से लगा देते हैं गला सूख गया दोस्तों एक और वॉशर मैंने बनाया उसे टूथपिक पर लगाएंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने होल किया है उसमें हम इसे फ़िक्स करेंगे और ये मूवेबल होना चाहिए फैक् से चिपका मत देना सभी एक्स्ट्रा स्टिक को मैंने कट कर लिया है बीच में से मत निकाल देना टूट जाएगा आप देख सकते हैं ये हल ऊपर नीचे होता है पर स्टेबल रहता है टेढ़ा नहीं हो जाता जब भी ऊपर होता है हमने लास्ट में जो स्टिक लगाई थी उसका यही काम था कि हमारे हल को सीधा रखना वरना मैं डायरेक्ट भी इसे लगा सकता था बट वो टेढ़ा हो जाता था आप देख सकते हैं हल सीधा ही रहता है बट जब इसे हम ज़्यादा नीचे करते हैं तो थोड़ा एकदम स्लाइड टेढ़ा हो जाता है आप देख सकते हैं वापस से हमारे ट्रैक्टर ने स्टंट करना शुरू कर दिया और इसके पीछे के व्हील को ऊपर उठा लिया है ट्रैक्टर पर हरकतें जेसी भी वाली है दोस्तों इसी के साथ हमारा ट्रैक्टर तैयार है मैंने इसके साथ हमारे रिमोट को भी कनेक्ट कर लिया है रिमोट को कनेक्ट करना कोई नई बात नहीं है हमने जो ये क्लम के साथ जो दो वायर लगाए थे उसे हम सिर्फ मोटर के साथ कनेक्ट करना है और आगे वाली जो लाइट है मैंने उसे पीछे वाली मोटर के फॉरवर्ड डायरेक्शन में कनेक्ट कर लिया है उसका मतलब जब भी ट्रैक्टर आगे जाएगा तभी लाइट ऑन होगी स्विच को ऑन करते हैं और गेम को ऑन करते हैं मैं मेरी बकवास को बंद करता हूँ बीच बीच में कमेंट्री देता रहूंगा तब तक, तक वीडियो को देखते रहना क्या बात बढ़िया दिख रहा है हमारा ट्रैक्टर ऐसा ट्रैक्टर कभी देखा है यूट्यूब पे चुप चुप अच्छा नहीं लग रहा बोलना पड़ेगा आप देख सकते हैं हमारा टायर बहुत अच्छा दिख रहा है नीचे के मोटर को हमें चुप कर देखना पड़ रहा है वरना ये दिख नहीं रही है आप देख सकते हैं हमारे रिमोट है यहाँ पे और ये रहा है ट्रैक्टर आप देख सकते हैं हल एकदम ठीक बना है आप भी इसी तरह से बनेगा और अगर आपकी ग्लूगन में जो ग्लू के तार की तरह निकलता है, वैसा निकल रहा है तो आप हल बनने के बाद इसे गैस पर थोड़े ऊँचे से गर्म कर दीजिएगा ज़्यादा मत गर्म कीजिएगा सिर्फ पाँच छः सेकंड के लिए करना सभी दौरे गायब हो जाएंगे दोस्तों आप देख सकते हैं लाइट कम्प्लीटली वर्क कर रही है तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं इसके लिए मैंने स्पेशल सैंड से खेत बनाया आप देख सकते हैं ये खेत में आसानी से आ गया वीडियो बना रहा था धूप आ गई अब हम को नीचे करेंगे अब देख सकते हैं मोटर से है, मैंने को नीचे कर लिया है दोस्तों अभी मैं पहली बार ही इसे चला रहा हूँ तो थोड़ी कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आएगी वीडियो को एंड में देखना मैं इसे कम्प्लीटली चला लूँगा स्टार्टिंग में आपको भी आगे का जो स्टेयरिंग है उसे कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर एकदम से लेफ्ट लेफ्ट तरफ टर्न हो जाएगा या फिर राइट सीधा करने में प्रॉब्लम आ सकती है प्रैक्टिस करने से आपको भी इसे चलाना आ जाएगा ये एकदम से मुझसे मुड़ गया ट्रैक्टर को हम ऊपर ले लेते हैं वापस खेत में आएंगे हम वापस काम शुरू करेंगे को नीचे करेंगे हल्के को नीचे करेंगे ज़्यादा नीचे गया थोड़ा ऊपर की ओर उठा लेते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं अब ये अच्छी तरह से खेत को टिल रहा है सॉरी इंग्लिश और हिंदी मिक्स हो गया आप देख सकते हैं अच्छी तरह से वर्क कर रहा है अभी और थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है उसके बाद में इसे हम अच्छे से चला सकते हैं अब देख सकते हैं अब थोड़ी बहुत हमारी प्रैक्टिस सुधरने लगी है दोस्तों अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे ऐसे ही बकवास सॉरी ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देखने को मिलते दे रहेंगे और मेरी बकवास भी साथ में ही रहेगी और आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएगा मुझे आपके कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और कोई काम तो होता नहीं तो आपकी कमेंट ही पढ़ लेता हूँ अब थोड़ा बहुत इसे मैं आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ दोस्तों आपको भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाना पसंद है कि नहीं वो कमेंट कीजिए और अगर आप भी मेरी तरह यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो ज़रूर बताएगा रुक भाई पूरे खेत को कहाँ ले जा रहा है वापस आ गया खेत दोस्तों अब इसे परफेक्टली चल रहा है ऐसा मैं शायद कह सकता हूँ आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि चलाने में मैं कैसा हूँ इसे चलाने आपको अगर इसे चलाना आता है तो आप भी बना के चला सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही और अजीबोगरीब व्हीकल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनकी कसम खा के कहता हूँ मैं कुत्ते की पूछ को सीधी कर सकता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए